गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तरुण ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ मैं आई थी गोलू के स्कूल, उसकी पीटीएम में, और सुबह ही आ गई थी। 8 से 10 का टाइम था, मैं 7:45 पर ही आ गई थी। और शुरुआत आज मैंने गोलू के स्कूल से ही की है, क्योंकि डेली का वही काम रूटीन वही रहता है। अभी भी मेरा काम पड़ा हुआ था, पर मैंने सोचा पहले है ना पीटीएम अटेंड कर लेती हूँ। तो रक्षित को पहले स्कूल छोड़ा है, उसके बाद में फिर मैं इसकी स्कूल आ गई थी गोलू के, और पीटीएम अटेंड करने के लिए। और सभी काम मैं ऐसी कैसी छोड़ आई थी जो कि जा कर के करूँगी। और स्कूल भी इसका काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा स्कूल है। मैंने शुरुआत तो जैसे एंट्री करी थी वहाँ बैठी थी, पूरा कुछ दिखाया था। आधे स्कूल में तो मैं घुसी ही नहीं थी क्योंकि बहुत बड़ा था, और फिर जहाँ जाना नहीं था इसलिए जहाँ पीटीएम थी क्लास में, मैं उधर ही गई थी, उसी साइड में गई थी और दूसरी साइड में नहीं गई थी। वहाँ से आने के बाद में देखिए कपड़े पड़े हैं बहुत सारे, और काम कर लिया था जल्दी जल्दी। काम करने के बाद में चाय रख दी थी क्योंकि चाय पी नहीं थी, और करीबन मुझे 9:30 का टाइम हो गया था इस वजह से। और चाय पीने के बाद में फिर मैंने मशीन लगा दी थी, गद्दे मैंने सुबह ही डाल दिए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से सूखे नहीं थे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं ना 15 दिन में, 20 दिन में या 10 दिन में गद्दों को धूप लगा लेती हूँ, क्योंकि अब आगे भी मौसम ऐसा आ रहा है कि सर्दी का आ चुका है, आने वाला है। हल्की हल्की ठंड तो आ गई है सुबह के टाइम में, कि मतलब गद्दे वगैरह ये चीज़ नहीं सूख पाएंगी, तो मैं हर 15 दिन बाद डाल देती हूँ। और रक्षित को स्कूल से लाने से पहले मैं ना कपड़े भी धुल गई थी, क्योंकि मैंने सोचा ये कपड़े है ना धुले हुए रखे रहेंगे तो मतलब कि मैं प्रेस कर दूँगी, मतलब सूख जाएंगे तो प्रेस कर दूँगी। तो रक्षित को स्कूल से लाने से पहले कपड़े धुल गई थी और सब सुखाने के लिए डाल गई थी। रक्षित को जब स्कूल से ले आई थी उसके बाद में सूखे सूखे कपड़े उठा लिए थे और ये मैंने दोबारा से डाल दिए थे। रक्षित ने जो यूनिफॉर्म उतार लिया व्हाइट कलर की, वो मैंने मशीन में ही डाल दिया क्योंकि शाम को एक राउंड फिर लगा दूँगी। अभी ये 2-3 जोड़ी और उतरेंगे। रक्षित के लिए दलिया दे दिया था बनाने के लिए, और यही मम्मी ने अस्तर मंगाए थे अपने ब्लाउज सिलवाने के लिए। तो मैं ना अस्तर लेने के लिए गई थी दुकान से, क्योंकि हमारे ना सभी अस्तर वगैरह और भी जो मैं रील वगैरह या लास्टिक वगैरह लेकर के आती हूँ प्लाजो पैंट में लगाने के लिए, तो मैं यहीं से लेती हूँ। ये अंकल जी बैठे हैं, इन्हीं दुकान से लेती हूँ ये सब कुछ सामान। और सामान वगैरह लाने के बाद में शाम का टाइम है, और लाइट वगैरह मैंने सब बंद कर दी थी जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि मच्छर बहुत आ जाते हैं इस वजह से। बीच में नहीं आते थे, फिर दोबारा से आने लगे हैं। और मैंने शाम को जो एक राउंड लगाया था, जो सुबह के कपड़े सुबह धुल दिए थे, प्रेस भी कर दी थी कुछ देर पहले ही, तो लाइट ऑफ करने से पहले कुछ देर पहले प्रेस कर दी थी। और ये एक राउंड लगा दिया था, जो कि कुछ कपड़े बाहर डाल दिए हैं, कुछ मेरा सूट मैंने अंदर डाल दिया है। आ रहा सब कुछ, ये मतलब सब बच्चे बैठे हुए हैं। घर का कितना भी काम कर लो, काम कभी ख़त्म नहीं होता, पूरा दिन हो जाता है काम करने में, पता नहीं चलता है कहाँ से इतना काम आ जाता है। मैं ये सोचती हूँ आज ये काम नहीं है करने के लिए तो ये काम नहीं करूँगी, तब भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही काम करने में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब? उषा तरुण ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और करीब 8:10 का टाइम हो रहा है, यानी कि रात का, यानी कि शाम का 8:10 का टाइम हो रहा है। और बच्चों ने खाना पीना खा लिया, मतलब बच्चों में रुद्र ने खाया है अभी, बाकी ये अभी नहीं खाया है। और बच्चे मूवी देख रहे हैं। आज कौन सी आ रही है भाई? भेड़िया। भेड़िया आ रही है मूवी, तो बच्चे आ रही है। और दोपहर में आई थी विक्रम वेधा। विक्रम वेधा, विक्रम वेधा। और गाइस कल रात को आई थी, हम देख रहे थे लक्ष्मी मूवी। लक्ष्मी वो हॉरर वाली, भूत वाली, प्रेत वाली, पता नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती है। अक्षय कुमार ने तो अभी कह दिया वो टंचना, पीछे देखो भाई की दाल खा रहा है। तो मैंने बनाई है उड़द चने की दाल, और मैं मक्के की रोटी मम्मी से बनवाऊंगी 2-4, क्योंकि मुझे वही टेढ़ी मेढ़ी आती है। मम्मी है अभी, तो सोच मम्मी से बनवा लेती हूँ 2-4 रोटियाँ मक्के की। बाकी का तो ये मम्मी जब गांव चली जाएंगी, जब भी जाती हैं, तो मैं खुद ही बना लूंगी उल्टी सीधी। पर जब मम्मी है तो सोच मम्मी से अच्छी अच्छी रोटियाँ बनवा। मम्मी है ना अच्छी अच्छी रोटियाँ बना लेती, मतलब गोल गोल रोटियाँ बना लेती है मक्के की, मुझसे ना आती नहीं है वो, बेकार हो जाती है। पर वो कहते हैं ना कि माँ के हाथों का स्वाद अलग होता है, मैं कुछ भी बनवाऊँ तो मम्मी से। जैसे अभी तो फिलहाल में मैं ऐसा कुछ नहीं बनवा रही हूँ,
जिसमें गांव में गई थी ना अभी कुछ दिन पहले, गांव में गई थी तो मम्मी से मैंने क्या मम्मी ने अपनी उससे ही सब कुछ अच्छे से बनाया था, मक्के की रोटी बनवाई थी। मम्मी वही पूड़ी कचौड़ियों की बोल रही थी, पर मैंने मना कर दिया था, मैंने कि नहीं मक्के की रोटी बनाना। तो मम्मी ने आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी और मटर पनीर की। तो उस टाइम पे मम्मी ने पूरा खाना बहुत अच्छा बनाया था और मैंने पेट भर के खाना खाया था। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जब हम अपने हाथ से खाना बनाते हैं ना, तो हमें उस चीज़ की मतलब खुशबू आती रहती है कि नहीं हाँ ये चीज़ तो हमने बनाई है, तो हम पेट भर के खाना नहीं खा पाते। पर जब हम दूसरों के हाथों का खाना खाते हैं ना, और मैं तो अधिकतर ये होता है कि जब मैं अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाती हूँ ना, तब उनको पेट भर के खाना खाती हूँ। यही बात मैंने अपनी सासू मम्मी में देखी है कि उनके साथ में क्या है कि जब भी मुझे कोई चीज़ खानी होती है ना, तो मैं उन्हें बोलती हूँ ना, मैंने कि मम्मी ये चीज़ बहुत अच्छी बनाती है आप बना दो, तो वह ना बना देती। मतलब उनसे कभी मना नहीं होती, वो मना नहीं करती है कि नहीं मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से बनाती है, बड़े प्यार से बनाती है वो मेरे लिए। और जैसे हमारी सासू मम्मी है ना, कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं। तो मतलब वो मेरी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले उन्होंने एक बार कचौड़ी बना के भेजी थी मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद आई थी। जब से मुझे उन्हीं के हाथ की कचौड़ियाँ पसंद है। और अभी मैं गई थी, अभी नहीं मतलब छुट्टियों में गई थी, तभी मैंने मम्मी से बोला था मेरी मम्मी कचौड़ियाँ बना के खिलाना, बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनाती हूँ। फिर मम्मी ने ना कचौड़ियाँ बनाई थी, आपको ध्यान हो मैंने छोटा सा वीडियो भी बनाया था कचौड़ियों का, तो वो मैं सेक रही थी, मतलब मैं तल रही थी और मम्मी अपने हाथों से भर रही थी, बेल रही थी इस तरीके से। पर वो कचौड़ी मम्मी ने ही बनाई थी, मैंने बोला था मम्मी कचौड़ी बनाना, मुझे आपके हाथ की कचौड़ियाँ खानी है। क्योंकि अच्छा लगता है ना कभी कभी हम मम्मियों के हाथ का खाना खाएं तो बहुत मतलब पेट भर के खाना खा लेती हूँ, और नहीं अपने हाथों से बना बना के खाती है ना, तो हमें सिर्फ अपना ही हाथ का स्वाद ही रहता है, हम पेट भर के खाना नहीं खा पाते हैं। कहते हैं ना माँ के हाथ का स्वाद होता है ना वो अलग होता है, तो इस वजह से मैं ना दोनों मम्मियाँ ही बना देती हैं मेरे लिए। खैर अपनी मम्मी तो बना देती हैं, पर सासू मम्मी जो होती है, सासू मम्मी होती है, नहीं मैं क्यों बना रही हूँ, मैं तो नहीं बना रही हूँ, मैं क्यों बनाऊंगी, तो इस तरीके से नहीं है उनमें। पर जैसे मैं उन्हें बोलती हूँ ना तो वो बना देती हैं मेरे लिए, नहीं मम्मी मुझे ये चीज़ खानी है तो वो बना देती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे, और वो खुद ही बोल देती हैं कि ये चीज़ खानी है क्या, मैंने कि हाँ मम्मी खानी है, तो वो खुद बना देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल देती हूँ जैसे कचौड़ियों के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनके उनके साथ में कि नहीं मम्मी ये बना दो, वो खुद ही उनका जो मन करता है वो बना देती हैं, और मुझे भी थोड़ा सा देती है तो मैं भी खा लेती हूँ। और बस वही है, अब मैंने बनाई है दाल और मक्के की रोटी मम्मी से बनवाऊँगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है। बच्चे देख रहे हैं मूवी, मैं है ना थोड़ी देर थक गई थी आज, बहुत दो दिन से इतनी थकान हो जाती है ना। हम गाइस सैटरडे में देखते हैं मूवी, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है, सैटरडे में बढ़िया तरीके से देख पाते हैं 12-1 बजे तक। आराम, मेरा बाहर दुपट्टा होगा, नहीं अभी तो रखा था, कहाँ डाल दिया, देखो वो रखा है, लेके आना, दो मिनट बात कर लो, एक मिनट गाइस। आज आ रही है बहुत खतरनाक मूवी, एक आ रही है भेड़िया, दारदान आ रही है, IP-70 आ रही है, और वो और भी आ रही है, ज़ॉम्बी की भी आ रही है। ये हमारा बड़ा वाला भैया, चलो हाय कर ले, भाई देख ले, नहीं थोड़ी देर, आप तो सैटरडे है ना, सैटरडे में तो देख ले। ये हमारे बड़े वाले भैया आया, तो IP-70 खाना पीना भी खाया नहीं, सिर्फ रुद्र ने खाया है, और वो खा लेना, मैं क्या मना कर रही हूँ पेटे के लिए। हमारे मामा पेटा खाते हुए, मामा है बॉडी बिल्डर, ये ऐसे ही करता है जब भी मेरे आता है ना, तो ये सबसे पहला फ्रिज ही खोल करके देखता है और कुछ खाने के लिए मीठे के लिए देखेगा, इसे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, ये इसे मीठा चाहिए, कुछ मीठा दे दो। एक बात और है, अगर घर में मामा को खाना पसंद आ के समझ लो सबको पसंद आ गया। हाँ एक चीज बात है इसमें कि अगर घर में ऐसे कोई भी खाना बनाए, चाहे मैं हूँ चाहे भाभी है चाहे मम्मी कोई भी, अगर खाना ऐसे पसंद आ गया तो सोच लो सबको पसंद आ गया, ऐसे जल्दी से किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही है, हम यही वीडियो का एंड कर देते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत खाने के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि बना कर लेती हूँ। रुद्र ने खाना खा लिया है, मक्के की रोटी बनवाऊंगी मम्मी से थोड़ी सी दो चार, और बाकी का तो ये है, अभी स्वेटर डाला ही नहीं, इतना टाइम नहीं मिला है स्वेटर डालने के लिए,
तो चलिए हम अपनी वीडियो को एंड कर देते, मिलते हैं तो लाइक और शेयर करना, मिलते हैं अच्छे से लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।